मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, PGCIL से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों हमें एक RTI के थ्रू प्राप्त हुई है। गाइज ये RTI हमें अंकित सरकार जी ने सेंड की हुई है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर की है। गाइज आप भी हमें इस तरह RTI मेल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी RTI रखे हैं आपके पास, कोई किसी भी डिपार्टमेंट में आपने RTI लगाई हुई है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आपकी पर्सनल डिटेल हाइड कर दी जाएगी और सभी लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। गाइज ये RTI रिलेटेड है PGCIL ER1st और ER2nd में डिप्लोमा ट्रेनी की जो वैकेंसी है और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट कितनी है। गाइज यहाँ पर RTI के थ्रू बहुत ही निराशाजनक जॉब मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये RTI दोस्तों, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 30/5/2021 को ये RTI लगाई गई थी। और यहाँ पे आप दोस्त देख सकते हैं क्वेरी में पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ DT इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इन ER1st एंड ER2nd रीजन। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस डेट के दौरान एज ऑन डेट देर इज नो वैकेंट सीट वैकेंसी ऑफ DT इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर टेक्नीशियन, कोई भी वैकेंसी यहाँ पर ER1st ER2nd में नहीं है। और यहाँ पर दिया गया है कि रिगार्डिंग डिटेल्स फॉर ER1st इट इज रिक्वेस्टेड टू टेक अप विद CPIO पावर ग्रिड। यहाँ पर मतलब जो ER1st की डिटेल्स है दूसरे CPIO के पास ट्रांसफर कर दी गई है, और वहां से भी ये रिप्लाई आया है कि देर इज नो वैकेंट पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल। गाइज हालांकि ये रिप्लाई आया हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ER1st और ER2nd में डिप्लोमा ट्रेनिंग और टेक्नीशियन की वैकेंसी वैकेंट नहीं है। गाइज मैं आपको बता दूं कि 2018 में लास्ट रिक्रूटमेंट आई थी डिप्लोमा ट्रेनिंग की, तब से लेकर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लोग रिटायर नहीं हो या फिर इन्होंने PGCIL ER1st या ER2nd को छोड़ा नहीं हो। तो ये बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन है, और कहीं ना कहीं ऐसी जो रिप्लाई PGCIL करता है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे PGCIL पे RTI लगाए हुए हैं जिसका वो कभी कभी वो सही रिप्लाई देता है, सही आंसर देता है, और कभी कभी वो रिप्लाई नहीं करता। अभी दोस्तों मैंने PGCIL NR1st NR3rd SR1st और SR2nd चारों जगह मैंने RTI लगाई हुई। अगर मुझे रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जहाँ पे उन्हें रिप्लाई देना चाहिए अदर सारे डिपार्टमेंट रिप्लाई करते हैं, अगर वहाँ से मुझे रिप्लाई सही नहीं मिला, मेरे जो आवश्यकता अनुसार मुझे रिप्लाई नहीं मिला, तो मैं निश्चित तौर पे CPIO के पास कॉल करूंगा और फर्स्ट अपील इसके लिए करूंगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने पूछा है कि टोटल एप्लीकेशन कितने फिल हुए हैं, चूंकि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट खत्म हो गई है, उनको ये रिप्लाई करना चाहिए। अगर वो रिप्लाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं इस बार मैं फर्स्ट अपील करने वाला हूँ चारों रीजन्स के लिए। तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी लोगों के लिए दोस्तों। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।